रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज हुआ या खास रिकॉर्ड, इस मामले में छोड़ दिया अनिल कुंबले को भी पीछे। दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी रविंद्र जडेजा के हैं फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम में रविवार यानी कि 18 फरवरी को राजकोट के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 434 रनों से हरा दिया और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा के दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को सफलता हासिल हुई है। दोस्तों भारत के इस ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब मिला। जडेजा ने मैच में कुल 7 विकेट लिए थे और शतक भी जमाया था। इसी दौरान वह तीसरे दिन जडेजा ने 200 टेस्ट क्रिकेट टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं और रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दोस्तों जडेजा ने भारत में टेस्ट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का खिताब भी अपने नाम या रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसमे अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है। दोस्तों सर स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट कैरियर में 10 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया, जिसमे से 9वीं बार भारतीय धरती पर रहे हैं। अब तक जडेजा ने भारत में खेले गए 42 टेस्ट मैचों में जडेजा ने 206 विकेट लिए हैं और रिकॉर्ड 9 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता है। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। इस जानकारी के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।